आज बोनस ट्रिक है एडीएस की के अगर आपके पास कुछ इस किस्म का एरर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। ये देखिए मेरे पास भी एक एरर आ चुका है और ये एरर है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसको अगर आप क्लोज भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एरर आपके पास दोबारा ना आए तो आपने आना है माई कंप्यूटर में, यानी दिस कंप्यूटर में आना है। उसके बाद आना है आपने प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आना है कि ग्रास वैली, और ग्रास वैली में आने के बाद ADS8 इस पे ये वाला फोल्डर आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक फाइल होगी जी, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है जी। हाँ जी, ये है जी ADS क्रैश रिपोर्टर और ADS सिस्टम रिपोर्टर। इन दो फाइल्स को अगर आप डिलीट कर देंगे यानी शिफ्ट डिलीट, तो ये एरर आपके पास नहीं आएगा। और ये एरर जो है आपको किसी किस्म का तंग भी नहीं करता। अगर ये आप डिलीट नहीं करते तो तब भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।